She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Hi everyone, welcome back to my channel. So, today we are going to do a Karwa Chauth makeup look. But this time, this is a glam makeup look. हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर. प्राइमर को अच्छी तरीके से आप अपने फेस पे लगा लें ताकि जो आपका मेकअप है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और एक अच्छा बेस रेडी हो जाए. ठीक है, इसके बाद मैं ले रही हूँ अपना फाउंडेशन. ये मिलानी का कंसीलर प्लस फाउंडेशन है. इसको मैं अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी, अच्छी तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लें. और इसके बाद मैं ले रही हूँ लाइट शेड का कंसीलर. इसको मैंने थोड़ा थोड़ा अपने अंडर आई पर अप्लाई किया है. इससे क्या होगा, ये हाईलाइट भी हो जाएगा और कंसील भी कर लेगा मेरे अंडर आईज को. ठीक है, और जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना था वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया. तो अब हम इसे कर लेते हैं ब्लेंड. तो ये हो गया अच्छी तरीके से ब्लेंड. इसके बाद मैं इसे सेट करूँगी. तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्रेस पाउडर. हल्का सा प्रेस पाउडर लेना है आपको. अपने लिड पे भी मैं ये हल्का हल्का सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आई बेस बनाने के लिए. और इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर लेंगे. थोड़ा सा कंसीलर इनफ होगा, आपको ज़्यादा नहीं लेना है. अब आ जाते हैं आई मेकअप की तरफ. तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने लाइट शेड लिया, पूरे लिड पे इसे अप्लाई कर लिया क्योंकि जो कंसीलर लगा था उसे सेट भी करना था. इसके बाद ये ब्राउन शेड लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ. इस तरीके से प्लेस किया और इसके बाद हम इसे ब्लेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड करते हुए अप्लाई करना है. उसके बाद आप पूरे क्रीज लाइन पे इसे अप्लाई कर लें कुछ इस तरीके से. इसके बाद मैं ले रही हूँ ये रेड शेड. रेड शेड को मैंने अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया. तो इस तरीके से फिंगर से आप इनर कॉर्नर पर अप्लाई करें. उसके बाद जो हमारी क्रीज लाइन है उस पर हम हल्का हल्का ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये बहुत हार्श लुक ना लगे. ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर. हाइलाइटर को मैंने अपनी ब्रोबोन पे कुछ इस तरीके से अप्लाई किया. ठीक है, दोनों तरफ अप्लाई करने के बाद मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी इसे, मैं अपने टीयर पार्ट पे भी इसे अप्लाई करूँगी जिससे क्या है मेरी आइज़ थोड़ी सी बड़ी लगेंगी. इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर. लाइनर आपको जैसा पसंद आप वैसा लगाएं. इसके बाद मैं ले रही हूँ मस्कारा. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्राउन शेड से अपना ब्रो रूटीन कर रही हूँ. तो हमारी ब्रोज हो गई हैं. इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्रॉन्जर. ब्रॉन्जर से ही हम कंट्रोल करेंगे. मैं अलग से कंट्रोल स्टिक अप्लाई नहीं कर रही हूँ आज. ठीक है, इस तरीके से आपने ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया. तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेस्ड पाउडर से पेक किया है अपने फेस को. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लूज़ पाउडर यूज़ करें. ठीक है, जहाँ पर मैंने इसे लगाना था मैंने लगा लिया. इसके बाद थोड़ी देर रखूँगी, तब तक मैं अपना लोअर लैश लाइन पे ये लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ. तो जो भी एक्सेस प्रेस पाउडर था उसको हम रिमूव कर लेंगे. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का ब्लश. इसको सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से लगाएं. अगर आपको नोज़ पर लगाना पसंद है तो आप लगाओ. इसके बाद मैं ले रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर अपने चीक बोन्स के लिए. और जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है इसे मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. इसके बाद मैं शुगर की एक डार्क शेड की रेड लिपस्टिक ले रही हूँ. और इसके बाद मैंने पर्पल की लाइट शेड की लिपस्टिक ली है जिसको मैंने अपने इनर साइड अप्लाई किया है. तो यहाँ हो गया हमारा मेकअप डन. तो अगर आपको मेरा ये करवा चौथ ग्लैम लुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. नीचे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना. और अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.